अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बर्ड्स व्लॉग 1 और मैं हूँ मोहम्मद मुश्ताक। आज हम बात करने वाले हैं बजीज के बारे में, ठीक है, कि बजीज की कितनी किस्म होती है, टाइप्स ऑफ बजीज, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलें फिर अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों बजीज के बारे में। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है वाइल्ड बजीज। वाइल्ड बजीज जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रीन कलर में, एक होता है ब्लू कलर में। इसकी इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मौसम की तब्दीली के हवाले से ये इस पर इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और अगर एग्स की बात करें तो ये आराम से 5 से 8 अंडे जो है वो आराम से दे सकता है और उनके बच्चों को, अपने बच्चों को पाल भी सकता है। और अगर मार्केट रेट की बात करें तो 500 से 600 तक ये आराम से ईज़िली अवेलेबल है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास स्पैंगल बजीज। पहले नंबर पे थी वाइल्ड बजीज, उसके अंदर ग्रीन और ब्लू कलर की होती है और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आपको ये मिल सकती है, ठीक है। इसके अंदर आपको मोस्टली जो है ना वो लाइटिश जो है ना वो कलर्स मिलेगा इसमें आपको। इसकी भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और एग लेंग्स की बात करें तो 5 से 6 अंडे ये आराम से दे देता है और इसकी भी मार्केट प्राइस जो है वो वाइल्ड बजीज की तरह सेम होती है। थर्ड नंबर पे है हमारे पास पाइड बजीज। पाइड बजीज बेसिकली दोस्तों बजीज के ऊपर जो है वो धब्बे धब्बे से होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के धब्बे धब्बे होते हैं, आप जो है एक देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि एक बजीज के ऊपर जो है वो जगह जगह पे स्पॉट्स टाइप के आए हैं। तो इसकी पहचान ये होती है और ये ज़रूरी नहीं कि इसकी मतलब कि किसी से भी जो है ना, ये चाहे वाइल्ड बजीज हो चाहे वो स्पेंगल्स हो, किसी भी बजीज के अंदर से ये चिक्स निकल सकती हैं। और अगर इसकी इम्यूनिटी की बात करें तो इसकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। और एग लेंग भी ये 5 से 6 आराम से दे देता है। और मार्केट प्राइस की बात करें तो ये वाइल्ड बजीज और स्पेंगल बजीज से थोड़ा सा ऊपर होता है, 100 रुपये या फिर 150 या 50 रुपये ऊपर ही होता है ये। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेड आई बजीज। रेड आई बजीज के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है लुटिनो रेड आइस, अल्बिनो रेड आइस और होता है क्रीमनो रेड आइस। इनकी अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये आपको नॉर्मल बजीज की तरह ही नज़र आएंगे मगर इनकी आंख जो है वो रेड आई होती है, ठीक है, रेड कलर में होती है, इनकी ये पहचान है। और अगर इनकी इम्यूनिटी की बात करें तो इनकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, किसी किस्म की बीमारी भी जो है इन पे ईजिली अटैक कर सकती है, इनकी ब्लड लाइन भी थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है। और एग्स की बात करें तो ये आराम से 5-6 अंडे दे देता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस भी इसकी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, 1000 से 1200 रुपये तक। और नेक्स्ट जो हमारे पास बजीज है उसमें है टफ्टेड, क्रस्टेड और बैक फ्रिल। थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है लेकिन ये तीनों बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है। टफ्टेड बजीज की पहचान ये है कि इसके सर के ऊपर जो है इसकी जो बाल है वो आगे की तरफ मतलब चोंच की तरफ वाला जो हिस्सा होता है उस तरफ मूव हुई भी रहती है, तो ये टफ्टेड बजीज होती है। और इसकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसकी एग लेइंग की कैपेसिटी भी जो है वो 5 to 6 है और इसकी मार्केट प्राइस भी जो है वो 1000 से लेकर 1400 तक आराम से ईजिली मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्रस्टेड, ठीक है। क्रस्टेड क्या होती है कि क्रस्टेड के हेड के ऊपर जो है वो अम्ब्रेला टाइप की जो है वो राउंड नुमा बनी हुई होती है। आप यूँ समझे कि जिस तरीके से एक अम्ब्रेला होती है उस तरीके से राउंड बनी होती है, लेकिन इसके अंदर भी दो कैटेगरीज होती है, एक होता है सिंगल क्रस्टेड, एक होता है डबल क्रस्टेड। दोनों ही हेड के ऊपर होते हैं डबल अम्ब्रेला में, तो ऐसे बजीज को हम जो है वो क्रस्टेड कहते हैं। और इसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, एग लेइंग कैपेसिटी भी इसकी भी 5 to 6 है और मार्केट में ये 1000 से लेकर 1500 तक ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। अब बात करते हैं ब्रैकफील्ड के बारे में। ब्रैकफील्ड जो है दोस्तों वो बजीज के सर के ऊपर क्रस्टेड होता है और इनके पैक यानी कि कमर की तरफ जो है
वो भी क्रस्टेड वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ऐसे बजीज को भी जो है हम ऐसे बजीज को हम बैकफल्ड कहते हैं, और इसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। और इसकी अगर हम बात करें मार्केट रेट के हवाले से, तो 1000 से लेकर 1500-1600 तक आराम से ये भी मिल जाता है। अब है हमारे पास जो है होगोरोमो बजीज। होगोरोमो बजीज की दोनों विंग्स के ऊपर आपको जो है वो फ्लावर टाइप का नज़र आएगा क्रस्टेड के साथ। सिंगल फ्लावर भी हो सकता है, डबल फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, वो अल्बाइनो, लुटिनो और क्रीमनो इसके अंदर भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा नॉर्मल भी होती हैं, और स्पेंगल्स वगैरह के कलर्स वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन नॉर्मल बजीज के कंपैरेटिवली इसकी रेट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये मार्केट में आपको 3500 से लेकर 4000 तक होगोरोमो मिल जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप अल्बाइनो रेड आइज की बात करते हैं, डाइज में कोई भी क्वालिटी हो, वो मार्केट में 5000 से लेकर 10000 तक मौजूद है। और अगर इसकी इग्स लेइंग की बात करें, तो इसकी भी कैपेसिटी जो है इग लेइंग की 5 to 6 है, और इम्यूनिटी इसकी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर रेड आइज़ की बात करें, तो जिस तरीके से नॉर्मल बजीज की रेड आई की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है, तो इसी तरीके से होगोरोमो के अंदर भी रेड आई की इम्यूनिटी वीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किंग बजीज। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है किंग बजीज ये बाकी बजीज से साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, जिसके वजह से इसे हम किंग बजीज कहते हैं। और इम्यूनिटी इसकी भी बहुत स्ट्रांग है, एग्स वगैरह भी 5 to 6 ही आराम से इजीली दे देता है। और मार्केट प्राइस जो इसकी 1500 से लेकर 3000 तक के है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दोस्तों वो है एग्जीबिशन बजीज। एग्जीबिशन बजीज जो है उसमें भी दो टाइप्स की वेराइटी होती है, एक होता है लोकल वेराइटी जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, और दूसरा होता है यूके, ठीक है। यूके के अंदर जो है यूके वाली की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, इसके ऊपर मार्केट रेट भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर इसकी फेदर्स की बात करें, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फेदर्स होते हैं यूके वाले की। लेकिन इसकी साइज़ जो है वो भी थोड़ी सी ह्यूज होती है। अगर इसकी ईग लेइंग्स की बात करें, तो ये भी 5 to 6 ईग्स लेइंग आराम से कर देता है। लेकिन इसकी अनफर्टिलिटी की जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होती है। अनफर्टिलिटी इस वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसके अंदर फिदर्स बहुत होते हैं, इनके वेट वाला जो पार्ट होता है उसमें फेदर्स होते हैं। अगर आप इसके वेट वाले पार्ट की तरफ से फेदर रिमूव कर दें, तो अनफर्टिलिटी की चांस जो है वो कम हो जाती है। अगर लोकल पाकिस्तान की जो एग्जीबिशन है उसकी बात करें, तो वो मार्केट में 5 से लेके 10 हज़ार तक मिल जाता है। लेकिन अगर आप यूके वाले की बात करें, ठीक है, तो 10 हज़ार से लेकर 1 लाख और उससे अबव भी आपको मिल सकता है। लेकिन वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसके हर फार्मर अपनी क्वालिटी के हिसाब से उसको सेल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फेलो बजीज। फेलो बजीज भी नॉर्मल बजीज की तरह ही साइज़ में होता है। इसके हेड भी जो है वो ब्लैक होते हैं, इसके विंग्स वगैरह के अंदर भी ब्लैक का छाप होता है, और इसकी आँख जो है वो रेड होती है। इसके वजह से हम इसको फेलो बजीज कहते हैं। इसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, और इसकी अगर हम बात करें इग्लेन की, तो 5 to 6 है, और मार्केट प्राइस जो है इसकी 1500 से लेकर 2500 तक हो सकती है, 2500 तक भी मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है टीसीबी। टीसीबी बजीज बेसिकली टैक्स क्लियर बॉडीज़ है। ये अमेरिका के अंदर टेक्सास के अंदर जो है इसको बनाया गया है, और इसकी जो हेड का कलर है और बॉडी का कलर है वो बिल्कुल क्लियर होता है। सिर्फ इसके विंग्स के अंदर जो है वो ब्लैक डॉट्स होते हैं, बाकी इसकी बॉडी का कलर एक जैसा ही होता है, तो इसे हम कहते हैं टीसीबी। और ये मार्केट में बहुत रेयर है, तो इसकी मार्केट कंपटीशन के हवाले से बात करें, तो इसके रेट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। और नॉर्मली अगर हम बात करें, तो इसकी रेट जो है 3500 से लेकर 7000 तक जो है वो मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है ये उसकी क्वालिटी के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ब्लैक विंग बजीज। ब्लैक विंग बजीज जो है दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर है, और इसकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इग लेइंग भी इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर ये बात करें इसके प्राइस की, तो हम इसके प्राइस के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस कुछ नहीं है, जिसके पास है उसकी अपनी ही डिमांड है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें।
कमेंट करके अपना इजहार ख्याल कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।